नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिन और यूनिक एडवाइस मास्टर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस टॉपिक में मैं आपको इस सेशन में जो टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, दोस्तों जब लाइसेंस, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसी चीज़ है, मतलब चाहे वो टू व्हीलर की ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर फोर व्हीलर की ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो किसी किसी के ड्राइविंग लाइसेंस फोर व्हीलर टू व्हीलर एक साथ होता है और किसी किसी के अलग अलग होते हैं, तो जिसके वजह से कभी कभार देखा जाता है कि हम पर्स में, मतलब वॉलेट में ड्राइविंग लाइसेंस को लिए घूमते हैं। तो यही पर, मतलब काफ़ी केसों में देखा गया है कि हमारा या तो ड्राइविंग लाइसेंस कहीं गुम हो जाता है, कहीं खो जाता है, या फिर हमारा जो वॉलेट है वो पिक पॉकेट होने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस खो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है दोस्तों। तो जब कोई ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे लॉस्ट हो जाता है, तो एक मतलब जो प्रोसीड्योर आपको फॉलो करने चाहिए इस टॉपिक में, उसी के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है, तो आम मतलब आम आदमी जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, वो यही सोचते हैं कि चलो गुम हो गया तो दूसरा कोई लाइसेंस बना लेंगे, मतलब मोटर व्हीकल ऑफिस से। तो उसके लिए मतलब किसी किसी केसों में देखा गया है कि विदाउट जीडी लाइसेंस मतलब प्रोवाइड किया जाता है, दूसरे डुप्लीकेट कॉपी हम आप उठा सकते हैं, और कहीं कहीं मतलब जीडी एंट्री करना पड़ता है जो कि आपको सबमिट करना पड़ता है। तो एक ऑर्डिनरी पीपल यही सोचता है कि मतलब लाइसेंस गुम होने के बाद जीडी एंट्री करना इसीलिए इसे मैंडेटरी है ताकि हम उसका डुप्लीकेट कॉपी निकल सके, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जब आपका कोई लाइसेंस गुम हो जाता है तो तब आपको इतना कैजुअली वो चीज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइसेंस गुम होने के बाद आप सोचें कि दो तीन दिन बाद जाके जीडी एंट्री कराएंगे, या फिर कल जाएंगे, परसों जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जब आपका लाइसेंस चोरी होता है या फिर कहीं गुम हो जाता है, तो कहीं पर अगर कोई क्राइम हो जाए तो उस लाइसेंस को लोग मिसयूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि कहीं क्राइम होए, आपका लाइसेंस वहाँ पर फेंक दिया, या फिर आपका लाइसेंस को लेकर कोई क्राइम हुआ, तो आप बिना वजह फंस सकते हो दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी क्राइम होता है को आपका लाइसेंस, सोचिए वहाँ पर कोई फेंक दिया गया है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ से आपका लाइसेंस मिला, तो आप बिना वजह उस क्राइम ना करके भी आप फंस सकते हो, आपके ऊपर केस चल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जब आपका लाइसेंस गुम हो जाता है, तो आपका पहला मतलब आपका ड्यूटी है, आपका जो प्रोसीड्योर फॉलो करना है, आप मतलब जहाँ से आपका लाइसेंस गुम हुआ है, जिस एरिया से, उस एरिया के थाने में जाइए। थाने में जाकर आपको जीडी एंट्री कराना है कि मेरा लाइसेंस एक रिटर्न में दीजिए, ऐसे निकला था, यहाँ पर मुझे मेरा लाइसेंस नहीं मिल रहा है। सोचिए, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों। एक प्रोसीड्योर होता है कि लाइसेंस गुम होने का जीडी एंट्री कराने से पहले एक मोटर व्हीकल्स का एक दफ्तर है जहाँ से आपको वेरिफिकेशन लाना पड़ता है, मतलब एक ऐसा दफ्तर है जहाँ कोई लाइसेंस को लेकर कोई गाड़ी का केस हो, जब कोई लाइसेंस सीज कर दिया जाए मतलब कोर्ट्स के दौरान, या फिर कोई पुलिस के दौरान लाइसेंस को सीज कर दिया जाए, कहीं पर भी कोई मोटर व्हीकल का केस हो या फिर कोई भी केस हो। तो इस वजह से देखा गया है कि जब ऐसा कोई मतलब लाइसेंस मतलब सीज किया कर दिया जाता है, तो एक फेक जीडी बना के मतलब उसका जो मोटर व्हीकल ऑफिस है वहाँ पे वो जीडी सबमिट करके वो डुप्लीकेट कॉपी निकल लेता है। तो इस प्रोसीड्योर को रोकने के लिए ही ये वेरिफिकेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब ये प्रोसीड्योर चालू किया है गवर्नमेंट ने। तो अब सोचिए, आप लाइसेंस को मतलब जीडी एंट्री कराने से पहले आपको जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, जो मतलब टेबल पर बैठा है जीडी लेने के लिए, वो आपसे ये वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो इस वेरिफिकेशन के लिए एक तो एक दो दिन का तो प्रोसेस लगे जाएगा। तो तब वो पुलिस ऑफिसर आपको बोल सकता है कि चलो मैं भरवाली ले लेता हूँ कि आपका लाइसेंस गुम हुआ है, मैं भरवाली ले लेता हूँ, आप दो तीन दिन बाद वेरिफिकेशन लाएंगे, मैं जीडी ले लूँगा। तो दोस्तों, ये गलती आप मत कीजिए। मतलब जब ऐसा होता है कि आपका लाइसेंस गुम हो जाता है, आप जीडी एंट्री करने जाते हो, यहाँ पर पुलिस इंचार्ज जो होता है वो बोलता है कि वेरिफिकेशन लाने के बाद मैं जीडी एंट्री कर लूँगा, मैं भरवाली ले लेता हूँ, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। कानून के नज़र में भरवाली कोई भी मतलब भरवाली कोई चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता। इनके सोचिए, आपका लाइसेंस के वेरिफिकेशन के लिए आपका पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो है, मतलब जो जीडी एंट्री टेबल में जो बैठा है, वो बोला कि मैं भरवाली ले लिया, अब लाएंगे, मैं जीडी वेरिफिकेशन लाएंगे, मैं जीडी एंट्री करा लूँगा। तो सोचिए, इस बीच कोई क्राइम हो गया और आपका लाइसेंस वहाँ से मिला, या फिर कोई भी कारण आप उस लाइसेंस के दौरान आप फंस गए,
तो सोचिए, तब अगर वो पुलिस ऑफिसर इनकार करे कि ऐसा तो कोई भरवाले मतलब मेरे सामने आप नहीं दिए थे, तो आप पूरी मजबूर हो जाओगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि भरवाली का कोई वैल्यू नहीं होता दोस्तों, कोई भी भरवाली वार्ड का कानून की नज़र में। तो बेहतर यही है जब आप, तो परेशान मत हुई दोस्तों, बेहतर यही है कि जब आपका लाइसेंस गुम हो जाता है, आप जीडी एंट्री कराने जाते हो उस पुलिस स्टेशन में, अगर वो वेरिफिकेशन मांगे तो आप एक मतलब एक पेज में एक इंटीमेशन दे दीजिए कि सर मैं, मेरा नाम ये है, मैं इस वक्त यहाँ पे जा रहा था, मेरा लाइसेंस गुम हो गया इस टाइम पे, मैं आपके थाने में जीडी एंट्री करने के लिए आया, लेकिन आप वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, इसलिए मैं वेरिफिकेशन देने के लिए 2-3 दिन का वक्त लगेगा, तो उस बीच अगर कोई क्राइम हो जाए तो आपका मतलब इंटीमेशन आपको मैं दे दिया कि मेरा लाइसेंस गुम हो गया है ऑलरेडी, तो उस इंटीमेशन लेटर को आप 2 कॉपी कर लीजिए, एक पुलिस स्टेशन वाले को दे दीजिए, और उस पे आपके पास एक 2 कॉपी रखिए जहाँ पर पुलिस स्टेशन का मतलब सील लगा लीजिए। तो हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर जो होता है वो इनकार करे दोस्तों इंटीमेशन को ना लेने का, बोल सकते हैं कि ऐसा कोई प्रोसीड्यूर नहीं है। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि जैसे भी करके मतलब कैसे भी करके आप इंटीमेशन ले लीजिए दोस्तों उस लेटर पर, एक मतलब आपका जो लेटर के बारे में आपको बोला, इंटीमेशन जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को आप दे रहे हैं उस पर एक स्टैंप लगा लीजिए। तो इनकेस अगर कोई इस बीच मतलब आपका 2-3 दिन बाद आप वेरिफिकेशन करके फिर जी डी एंट्री करने जाए, इस बीच अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई क्राइम हो गया, आपके लाइसेंस वहाँ से मिली, तो आप नहीं फंसोगे क्योंकि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट से पुलिस स्टेशन का सील लगा हुआ, तो यही बेहतर प्रोसीड्योर है दोस्तों। बाद में आप जी डी करा लीजिए, सबमिट करके मोटर व्हीकल ऑफिस में दूसरा डुप्लीकेट कॉपी निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपके सेफ्टी के लिए दोस्तों ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो कीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ कि कोई अगर इस टाइम पर क्राइम हुआ, अगर उस बीच आपका लाइसेंस वहाँ से मिला या फिर कोई भी करना फंसे, तो ये डॉक्यूमेंट ही आपको बचाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको आगे बहुत ही कार रिलेटेड ऐसी वीडियो मिलता रहेगा। मैं जल्दी मिलता हूँ नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।